गाइस वी आर बैक अगेन। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, मैं आज आपको ऐसे लोग से मिलवाऊंगा जो एक जीती जागती मिसाल है फॉर फिटनेस एंथुजियास्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जैसे अगर आप जिम कर रहे हैं, आपको पता लगे कि आपको अपना लिवर किसी को देना पड़ेगा, अपने अपने फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को देना पड़ेगा बिकॉज उनका लिवर फेल हो गया, आप 10 बार ही सोचेंगे करने के लिए। लेकिन जिनसे मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ, ही इज़ अ 20-year-old गाय। प्रॉब्लम जब मैंने दिया था अपना लिवर, ही वॉज 19। एट द एज ऑफ 19 अ फिटनेस एंथुजियास्ट जो रेगुलर जिम करता था, ही गेव हिज लिवर टू हिज फादर बिकॉज उनके फादर का लिवर फेल हो गया था। एंड नाउ ही इज ऑब्वियसली हिज लिवर इज वर्किंग फाइन बिकॉज लिवर इज़ यू नो इट्स रिकवरेबल, वो एज वी गो अलॉन्ग वो रिकवर होता रहता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सिद्धांत जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जिसने सब कुछ होते हुए भी अपने डैड के लिए अपना लिवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सैल्यूट यू सिद्धांत। तो मुझे बताओ यार, ये कैसे, हाउ डिड दैट हैपन? तो डैड को कुछ प्रॉब्लम थी क्या? था प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई थी वो था कि उनको जॉन्डिस हुआ था, येलो फीवर। और ये ख़राब खाने से या फिर गंदा पानी पीने से, अल्कोहल कंजम्पशन से और भी काफ़ी चीज़ से हो जाते हैं। तो पापा को क्या हुआ था, येलो फीवर हुआ था। हाँ, ड्रिंक करते थे बट नॉट रेगुलर, बट करते थे। तो ये पता नहीं चला हमारे को पहले, तो स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम के बाद पता चला येलो फीवर का। तो धीरे धीरे डॉक्टर्स ने तो बहुत पहले बोल दिया था कि लिवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, क्योंकि स्टेज है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। बट पापा ने मना कर दिया था, डैड ने, कि नहीं अभी नहीं कराना हमारे को। बट एक साल चला गया, डेढ़ साल चला गया, फिर पापा को मतलब कि हमने कन्विंस किया बड़ी मुश्किल से कि करा लेते हैं, कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। लिवर इट्स लाइक ब्लड, हम किसी को ब्लड दे रहे हैं, वो वापस रिगेन हो जाता है टाइम के साथ साथ। तुमने ये मेरे लुक सो इजी किया, ठीक है ना? अच्छा नहीं, हम तो डेढ़ साल से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे बट पापा रेडी नहीं हो रहे थे। अच्छा, उनको लग रहा था नहीं मैं कैसे ले सकता हूँ। अच्छा हाँ, तो होता है। बट फिर उसके बाद जब पापा मान गए तो विद इन 1 month हमारे सारे टेस्ट हुए कि मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। सिर्फ एक चीज़ होता है कि ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो दे सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि फिर पापा कन्विंस हो गए, उसके बाद हमने टेस्ट कराए और उसके बाद बस लास्ट ईयर हो गया। तुम तो जिम करते थे? तो जिम करता था। जैसे आपके टेस्ट होंगे, जब डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि आपको अभी भी आप कर सकते हो टिल ऑपरेशन, कि आपको अभी नहीं करना, वो आपके स्ट्रक्चर को देख के बता देंगे टेस्ट जब होंगे आपके। बट मेरे को मना कर दिया था कि आपकी बॉडी मतलब कि आप जिम करते हो, उन्होंने खुद ही बोल दिया मेरे को कि आप जिम करते हो। मैंने बोला हाँ करता हूँ, बट उन्होंने बोला अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ऑपरेशन के बाद भी जिम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि कुछ टाइम तक एब्डोमिन एक्सरसाइजेज हम नहीं कर सकते। 3 महीने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था कि आप जिम स्टार्ट कर सकते हो, आफ्टर 3 to 4 months। फिर भी मैंने एक्सीड किया 6 months तक, उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट किया। हाँ, मेरा वेट लूज़ हो गया था, लाइक 10 to 12 kgs लूज़ हो गया था। बट विद इन, जब मैंने जिम स्टार्ट किया 6 महीने के बाद, लाइक 3 to 4 months जैसे मैं पहले करता था, इन 4 months मैंने सब कोप अप कर लिया और सेम वेट मेरा अभी भी है जितना मेरा ऑपरेशन से पहले था। सेम वेट मैं अभी भी कर लेता हूँ जितना मैं ऑपरेशन से पहले करता था। तो कभी दिमाग में नहीं आया सिद्धांत कि यार मैं लिवर दे रहा हूँ, मतलब कब क्या पता वापस रिकवर हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा? नहीं, ये था, ऐसा है कि कुछ हैं ऐसे कि जिन्होंने मतलब कि उन्होंने बोला था कि आपको अपना ध्यान रखना है, 6 महीने तो सिर्फ घर का खाना खाना है। ये नहीं था कि आप ये नहीं खा सकते, वो खाना है, सिर्फ कुछ भी नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं घर जब आया था 5 दिन के बाद मैं घर आ गया था और 5th floor पे मैं रहता हूँ, विदाउट एनी सपोर्ट, विद स्टिचेस मैं 5 की 5 मंजिल खुद चढ़ गया था। तो मतलब कि मेरे को कुछ ऐसा मतलब कि हाँ ये था, कमज़ोरी तो थी, वीकनेस थी बॉडी में, बट फिर भी ये था जब मैं 5 मंजिल चढ़ गया उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। फिर उसके बाद जैसे कि खाना पीना स्टार्ट किया, घर का खाना कुछ भी खाओ, डॉक्टर ने ये नहीं बोला था कि ये मत खाओ वो खाओ, कुछ भी खाओ बट घर का खाओ, एक ऑयली थोड़ा कम। तो लिवर जो ट्रांसप्लांट होता है गाइस,
उसमें कितना परसेंट लिवर दिया था तुमने? वो तो आपको जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के हिसाब से भी देखते हैं। और तुम्हारा कितना गया था? मेरा मेरा गया था 55% के अराउंड। 55% लिवर यू गिव इट टू फादर। और जब रिकवर हो रहा है, पूरा रिकवर हो चुका है? अच्छा, पूरा रिकवर हो गया। विद इन 8 डॉक्टर ने तो मुझे खैर ये भी बोला था कि अगर आपका लिवर रिकवर हो जाता है तो आप फिर से भी लिवर दे सकते हो, 4 बार लिवर दे सकते हो एक बॉडी। गाइस, ये आपका मैसेज मैं भी आपको देना चाहता हूँ कि जो भी लोग नीडी हैं, जो चाहने वाले हैं आपके, डोंट थिंक ट्वाइस। वी एस फिटनेस एंथुजियास्ट, हमें जो फिटनेस पसंद है, हम फिट लोग हैं, हमारे लिए करना, वी डोंट थिंक ट्वाइस डूइंग दिस। एंड यू नो दैट्स व्हाई आई गॉट सिद्धांत है, क्योंकि सिद्धांत एक ऐसा जो एक एग्जांपल लीड कर रहा है, एज ऑफ 19-20 साल की उम्र में अगर आपका लिवर किसी को दे दो यार, मतलब एक थॉट होता है ना कि दिमाग में कि यार वो मैं तो लिवर दे रहा हूँ, क्या मैं वापस ठीक हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, तो अब यू फील बेटर, अब बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है? किसी को मतलब एक्सरसाइज भी करते, मेरे जिम में बहुत लोगों को नहीं पता कि मैंने लिवर दिया हुआ है। जो सपोर्टर्स होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं जिम में, वो किसी को बता दे तो बता दें कि लिवर दिया हुआ है, नहीं तो किसी को नहीं पता कि मैंने लिवर दिया हुआ है। तो लोगों की क्या परसेप्शन होती है तुम्हें लेके, जैसे तुम किसी को पता लगता है तो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है? मैं बताता हूँ आपको, मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं पता कि हमारी बॉडी में लिवर एक होता है, और जिनको पता है लिवर एक होता है तो उनको ये नहीं पता कि उसको सिर्फ छोटा सा पोर्शन लेते हैं और वो ठीक हो जाता है, उसके बाद रिकवर हो जाता है, इट्स काइंड ऑफ बलून। तो मैं तो पहले तो ये बताऊंगा कि लिवर एक होता है और उसको छोटा सा पोर्शन लेते हैं, और जैसे आप अपना खाना पीना स्टार्ट करोगे वो टाइम टू टाइम विद इन 7-8 वो रिगेन हो जाएगा, दोबारा फिट हो जाएगा। में, हाँ। एक साल में वो प्रॉपर वर्क करेगा जैसे आपका पहले काम करता था। लोग सोचते हैं कि अरे आपका लिवर चला गया, कैसे कर रहे हो? एक साल में मैंने आज तक कभी अपना LFT KFT लिवर किडनी फंक्शन नहीं करवाया चेक, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं ठीक हूँ तो मैं क्यों कराऊँ। और सबसे बड़ी बात, जब मैं घर आया तो मेरी सिर्फ 2 ही मेडिसिन थी जो मुझे दिन में लेनी है, एक पेंटासिड गैस की होती है वो, और एक A to Z जो विटामिन सी होती है, हाँ। और तीसरी कोई मेडिसिन नहीं थी मेरी, घर का खाना खाओ ठीक हो जाओगे। वो भी मैंने 3 दिन तक ली थी, 18 को मैं घर आया था, 20 को मैं हॉस्पिटल गया था स्टिचेस के लिए। तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मैं ठीक हूँ, मुझे मतलब कि फील भी नहीं होता कि मैं बहुत टायर्ड हूँ या फिर मुझे विटामिन की ज़रूरत है, और गैस भी मैं मतलब कि ठीक हूँ बिल्कुल। तो उन्होंने मेरी 2 दिन के बाद वो दवाइयाँ भी बंद कर दी। 20 से मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई अभी तक लिवर के लिए, अभी तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। और सबसे बड़ी बात, तुम 4 बार और 3 बार और लिवर दे सकते हो? दे सकता हूँ, बट मैं दे नहीं रहा। नहीं नहीं, मतलब वैसे बात कर रहा हूँ जनरली, मतलब एज ह्यूमन बीइंग्स दे सकते हैं। उसके लिए आपका चेकअप होगा, अगर आपको डॉक्टर्स को लगता है कि आपका लिवर फिट है देने के लिए तो हाँ दे सकते हैं। गाइस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा गाइस कि start doing these things. मैं ये नहीं कह रहा सबको अपना लिवर देना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट थिंकिंग, वी गॉट हैव अ बिगर हार्ट। हम तो वेयर टू फिटनेस है, हम तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वी शुड बी यू नो वी शुड हैव दैट करेज, हमें ये जगह होना चाहिए कि कुछ भी करें यार, किसी को हेल्प चाहिए वाई नॉट, दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग यू मीट सिद्धांत। जैसे तुम अपने नाम पर जीते हो सिद्धांत, सिद्धांत के सिद्धांत एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। एट द एज ऑफ 19 अगर आप ऐसे, तो मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 18 ईयर मोहित से भी मिलाया था, जिस ऑब्वियसली यू नो समबडी हैड अ डिफरेंट टेक ऑन इट। अब मैं आपको 20 साल के सिद्धांत से मिला रहा हूँ जिन्होंने अपना लिवर डोनेट किया अपने फादर को। तो गाइस, आपको थोड़े दिन पहले मैंने मोहित से मिलाया था, 18 ईयर ओल्ड किड, ऑब्वियसली उसके ऊपर काफ़ी डिबेट था कि वो नेचुरल है नॉट नेचुरल, ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। बट आज जैसे आप मिल रहे हो, इज़ अ 20 ईयर ओल्ड गाय जिसने अपना लिवर अपने फादर को डोनेट किया, इज़ फादर इज़ फाइन नाउ। ऐसी चीज़ें गाइस, ऐसे एग्जाम्पल जो देखने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई गेट इंस्पायर्ड, सो आई थॉट सिद्धांत से मिलने के बाद आप भी इंस्पायर्ड हो, आप भी ये सोचो कि एक भगवान ने एक अच्छा शरीर दिया है, हम उस शरीर को कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं उसके थ्रू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फिटनेस, इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, इट्स अबाउट वॉट यू कैन डू फॉर अदर्स गाइस। तो यही सिद्धांत एक एग्जाम्पल दे रहा है, ही मे नॉट हैव दैट एस्थेटिक लुक, ही डजंट इवन हैव टू, बट जो इसके पास है वो शायद कई लोगों के पास नहीं है। एक थॉट, एक जिगर देने का लोगों को, एक्चुअल जिगर देने का कि हाँ यू नो वॉट, मेरे डैड को लिवर की प्रॉब्लम है, एंड यू नो वॉट डैड आई एम हेयर फॉर यू, ये मेरा आप लिवर लीजिए, एंड यू नो वॉट अब इज फाइन। तो अब कैसा फील होता है? प्राउड, हम बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, इवन हॉस्पिटल में ILBS में ऑपरेशन हुआ था, हफ्ते में 3 ऑपरेशन होते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के, किडनी के 2 होते हैं,
60% गर्ल्स ने भी लिवर दिया हुआ है, मतलब कि 60% गर्ल्स हैं हॉस्पिटल में जिन्होंने लिवर दिया हुआ है। फिर भी मेरे को तब ये लगा कि लड़कियां भी लिवर दे रही हैं, तो भाई मैं तो लड़का हूँ और थोड़ा स्ट्रांग तो हूँ उनसे। वाह यार, सो गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़रूरी हो गया गाइस, और बहुत कमी है इसकी लिवर की लोगों को, बहुत ज़रूरत है गाइस। सो आई वुड इनकरेज यू टू स्टेप अप, बहुत कमी है लोगों की, बहुत रेयर, तो बहुत लाइक आई वुड इनकरेज यू टू स्टेप अप एंड डू समथिंग फॉर पीपल, जिससे उनको हेल्प मिल सके। लिवर का क्या, फिर रिकवर कर लोगे आप, एक्चुअली 4 बार कर सकते हो जैसे सिद्धांत ने बताया। सो आई होप यू गेट इंस्पायर्ड, बिकॉज मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली आज सिद्धांत से। सो सिद्धांत थैंक यू सो मच, हम इस इंटरव्यू को शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे क्योंकि हम बाहर हैं, तो आपने भी बोला कि कई इंटरव्यू शुड बी शॉर्ट, दिस वॉज वन ऑफ देम। तो मैं आपको कल फिर एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी से मिलाऊंगा, अंटिल वी मीट अगेन, पीस।